अभी हम आए हैं हमारी आंटी के वेडिंग एनिवर्सरी में. जो आंटी है वो मम्मी की कलीग है, तो उनके वेडिंग एनिवर्सरी में आए हैं हम. उनके रूम में बैठे हैं अभी और लोग आके देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ. सो मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज उनके एनिवर्सरी के अवसर पे, तो आपको दिखाएंगे कि आज हमने कितनी कितनी मस्ती की. सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर डेकोरेशन किया गया था. ये है हमारी आंटी जिनका एनिवर्सरी है, और ये इनका आउटफिट जो था वो बिल्कुल ब्लैक था. इनके जो हमारे अंकल हैं, इनके हस्बैंड, उनका भी आउटफिट पूरा ब्लैक था. वो भी आपको देखने को मिलेगा केक कटिंग के टाइम पे, और वो दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे. इतने सुंदर लग रहे थे कि क्या बोलूँ, नज़र ना लगे. यहाँ पर मेरी मम्मी आंटी को चिढ़ाते हुए, और ये है उनका रूम, उनका बेडरूम जो है जहाँ पर हम लोग आके बैठे. तो ये उनका बेडरूम टूर है, आपको दिखा देती हूँ. ये मम्मी यहाँ बैठी है. कमेंट करके बताना कैसी लग रही है. मैं बहुत रश में थी क्योंकि मैं वो फोटोज़ एंड रील्स वगैरह बना रही थी, तो हम वहाँ से जल्दी जल्दी निकले, इसीलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ. तो कमेंट करके बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ. मेरी आँखों पर भी काजल है और गंदा दिख रहा है बहुत. मैं फेस वॉश भी अच्छे से नहीं किया है. क्या हो गया मेरे को? लाइक करो वीडियो को, और आपको दिखाते हैं कि अभी हम क्या क्या करेंगे. सो गाइज, यहाँ पर हमारे आने के बाद कुछ टाइम बाद धीरे धीरे जो गेस्ट थे वो भी आने शुरू हो गए थे. धीरे धीरे यहाँ पर रश भी बढ़ने लगा था. ये आप देख सकते हैं गेस्ट यहाँ पर आके सोफे पर बैठे हुए हैं, और हम लोग भी यहाँ पर खड़े होके जो गेस्ट आ रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे. यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है जिन्होंने, ये आंटी की सास है, और यहाँ पर ये साइड में आंटी है, और ये वहाँ पर जो कुर्ती पहनी है जिन्होंने वो आंटी की ननंद है. ये आंटी का सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी था. ये जो यहाँ पर आप देख रही हैं, ये जो ब्यूटीफुल सी लेडी है, ये आंटी की सबसे छोटी बहन है जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, और ये बहुत प्रिटी थी. और ये जो है ये आंटी की सबसे बड़ी बहन की बेटी है, जो कि सबको घूम घूम कर नमस्ते कर रही थी उनके पैर छू के. छाड़ी बना से छाड़ी बना. ये मम्मी और ये मैं जो कि दिख रही हूँ एक नंबर. I don't look good. So, यहाँ पर हम बैठे हैं मम्मी और मैं. मम्मी ये रही और मैं हूँ ये. ये रही मैं जो कि बिल्कुल होमलेस की तरह दिख रही है. क्योंकि ये तैयार नहीं हुआ है इसलिए इसको बुरा लग रहा है. यस, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मैं तैयार नहीं हुई हूँ. मतलब दिखी तो क्या टेंशन से पकाऊ. अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे बोल रहे हैं ठीक है बाय. ये भी नहीं है, ये शादी में गया. सो गाइस, यहाँ पर मैं किसी ना किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि कोई आए और मैं उनके साथ जाऊँ और वापस अच्छी तरह से रेडी होकर आऊँ, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था. और जो रिसीव कर रहे थे वो बिजी थे क्योंकि अभी वेडिंग का सीजन है, तो सब वेडिंग अटेंड. गाइस, यहाँ पर आंटी की जो बड़ी भाभी है, जो उनकी लाइक बड़ी भाभी है ऑब्वियसली, उनका सब है ये सब मेडल. ये देखो भाई, मतलब मैं कितनी ज़्यादा लाइक शौक हूँ ये सब देख के. लाइक देखो भाई, टाटा मुंबई मैराथन 2020 लाइक फिनिश 42.195 किलोमीटर्स. वाओ, जस्ट वाओ, क्या ही बताओ मैं, छोड़ो. ये देखो भाई, हैदराबाद रनर्स. वाओ, मतलब सब कितना इम्प्रेसिव है, वही मैं सोच रही हूँ. वाओ, मम्मी बैठी हुई है चुपचाप. क्या हुआ मम्मी, तुम्हें क्या बोलना है? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कब होगी क्या केक कटिंग. मम्मी इज लाइक कब होगी, लेकिन क्या केक कटिंग कुछ भी. और यहाँ मुँह कहीं आगे दूर जा कहाँ को दिया. तो
केक खोला ला कैसा लग रहा है? बढ़िया हार्ट ऐसे लग ऐसे हार्ट बना ऐसे ऐसे बना आगे फोटो उठा रो आप क्यों बोले गोरे फोटो उठा बोला बोला तुम गोटे तुम सफा कर ये सफा करो कर सफा गाइस यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी थी जैसा कि आपने देखा, और उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे थे छोटे छोटे, ये जो क्यूट सी लड़की थी, जो पार्टी पॉपर जो फोड़ा गया था उससे छोटे छोटे कुछ स्माइलीज एंड इमोजीज वगैरह निकले थे, उसको बार बार उठा के अपनी मम्मी को दे रही थी और बोल रही थी मम्मी आप संभाल के रखना। तो यहाँ पर बच्चे अपनी शैतानी में लगे हुए थे और यहाँ पर एक एक करके सबको केक का पीस मिल रहा था। तो सो गाइस चलिए अब ऊपर चलते हैं खाना खाने, सब चले गए हैं, हम ही अकेले बच्चे। चलो 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 मम्मी चलो जल्दी। बालों में लग गया है वो जो बच्चे, देखो बच्चे पट्टी। हाय मम्मा चली गई। मम्मा अंधेरा हो गया क्या? लाइट चला गया। सो गाइस यहाँ पर सब लोग स्टार्टर खाने के लिए आ चुके थे और स्टार्टर में था क्रिस्पी कॉर्न, अंडे का चॉप और तंदूरी चिकन, और उसके साथ साथ मेन कोर्स में भी बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि मलाई प्रॉन एंड वेज में शाही पनीर और मशरूम एंड मिक्स वेज, और नॉन वेज में चिकन वगैरह भी था। तो आपको जो पसंद है आप ले सकते थे वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा कैटरिंग सर्विस जो था वो बहुत ही अच्छा था, खाना भी काफ़ी टेस्टी था। मुझे सबसे अच्छा लगा जो तंदूरी चिकन, क्योंकि मैं 3-4 बार जाके तंदूरी चिकन लेकर आई थी, और क्रिस्पी कॉर्न भी बहुत ही अच्छा था। ऑल ओवरऑल सब कुछ ही बहुत अच्छा था। सब में से थोड़ा थोड़ा जा रहा है मम्मी की प्लेट में, कुछ नहीं छोड़ना है। अच्छा, रहा प्रॉन, ये रहा चिकन, दैट्स इट। टेस्ट करके बताओ मम्मी तुम्हारा फेवरेट क्या लगा? अच्छा लगा।
पूरी फुल फुल थाली मेरी थोड़ी कम मतलब फुल है, मम्मी की पूरी फुल है। राइस लाया हाँ मैंने, लेकिन राइस नहीं लाया। तुमने नान भी लाया तो सब कुछ लाना है। अबे समझते खाई पी की ना। इतनी खाया है कि इसका पेट में दर्द। अब इतना खाया है कि मैं 4 दिन तक नहीं खाऊंगी मुझे लगता है, क्योंकि कल मेरा स्कूल है। मैं सोचूं नहीं जाऊं, क्योंकि खाकर आज थोड़ा पेट ज़्यादा बढ़ गया है, कल नहीं कर पाऊंगी। तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है, मम्मी यहाँ है आंटी के रूम में, और अभी हम लोग बिल्कुल थक गए हैं। आपको मेरी शक्ल देख के ही पता चल रहा होगा, और कल फिर से स्कूल भी है तो इसलिए। और आंटी ने हमें खाना भी पैक करके दिया, क्योंकि घर पे मतलब फुल्ली हमारी फुल फैमिली इनवाइटेड थी, बट मेरा भाई और मेरे नाना जी नहीं आ पाए तो इसलिए उनके लिए खाना पैक हुआ है। और ये है मेरी मम्मी जो कि बिल्कुल आराम से सोई हुई है अपना बेड मान के। सो गाइस सबसे लेट हम ही निकले थे, क्योंकि हम लोग का खाना पीना सब खत्म हो गया था। जब तक तब तक सब गेस्ट वगैरह धीरे धीरे जाने लगे थे और ऑलमोस्ट सब चले गए थे। हमें ऑलमोस्ट जाते जाते 11:30 बज गए थे, क्योंकि हम लोग का जो ओला उबर था वो आ ही नहीं रहा था। हम लोग और आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज संडे था, वीकेंड था, और वीकेंड के दिन इतना अच्छा सा दिन पड़ा था, पूरा चिट डे हो गया आज तो। अभी हम जैसे ही गाड़ी आती है हम निकलेंगे और आपको दिखाएंगे आंटी को और अंकल को। तो यहाँ पर हो गई ये पार्टी ख़त्म। ये हमारी जिनका एनिवर्सरी था मेन लीड। चलो चलो विदाई लेते हुए, बाय बाय आंटी, बाय बाय, हैप्पी एनिवर्सरी। चलो बाय बाय। हमारी गाड़ी, मम्मी यहाँ पर गाड़ी के अंदर जाते हुए। मम्मी बंद हो गया, मैं बैठी हूँ, पट्टी भी दे।